हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था अबाउट गामा फंक्शन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बीटा फंक्शन। ओके, जो बीटा फंक्शन है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स टू द पावर एम माइनस वन वन माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स के फॉर्म में। ओके, ये होता है बीटा फंक्शन का फॉर्म। इसको और एक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको ड्राइव करना पड़ेगा। कैसे, लेट्स सी। हम क्या करेंगे इस फंक्शन में, लेट या फिर एक सेकेंड शेप, ओके, नाउ पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई। इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे 1 + 1/y पुट कर देंगे। तो बीटा एम एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन 0 to 1। ओके, अगर हम x के जगह पे 1/1 + y करेंगे तो हमें जो लिमिट्स है उसकी वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी। ओके, कैसे चेंज करेंगे, अगर x इज इक्वल टू 1/1 + y है तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 + y इज इक्वल टू 1/x। ओके, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/x - 1। तो पहला x का लोअर लिमिट है 0, दैट मीन्स एट x इज इक्वल टू 0 y का क्या वैल्यू हो जाएगा, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 1/0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 1 इज इन्फिनिटी, सो y विल बी इन्फिनाइट। नेक्स्ट, एट x इज इक्वल टू अपर लिमिट है 1, सो x अगर 1 ले लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1/1 दैट इज 1 एंड 1 - 1 इज 0, सो y का वैल्यू हो जाएगा 0। तो हम जब नेक्स्ट उसको y के टर्म्स में लिखते हैं तो हमें लिमिट्स भी चेंज करने होंगे, दैट तो लिमिट क्या बन जाएगा, 0 के जगह पे, 0 के जगह पे इन्फिनिट होगा, 1 के जगह पे 0 होगा, मतलब इन्फिनिट टू 0। अभी x के जगह में हम क्या पुट करेंगे, 1/1 + y टू द पावर m माइनस 1। नेक्स्ट 1 - x की जगह में 1 - 1/1 + y टू द पावर n माइनस 1 एंड देन dx। dx का वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे, x इज इक्वल टू 1/1 + y है तो यहाँ से dx/dy करेंगे तो ये बन जाएगा -1/1 + y का होल स्क्वायर। यहाँ से dx कितना आ जाएगा, सो dx की वैल्यू हो जाएगी -1/1 + y का स्क्वायर इंटू dy, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। सो ये dx का जो वैल्यू है ये हम लेके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो -1/1 + y का होल स्क्वायर dy। ओके, फाइनली हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे द इक्वेशन बिकम्स इन्फिनिटी टू 0। देखो m माइनस 1 जो पावर में है उसको हम नीचे ला सकते हैं, 1/1 + y m माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो 1 - 1/1 + y 1 - 1/1 + y 1 + y को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 + y - 1/1 + y। ये 1 1 - 1 0, आंसर क्या बचेगा, 1/1 + y। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/1 + y। और एक चीज़ ध्यान देना, क्योंकि ये पावर में है,
ओके हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट्स का एक प्रॉपर्टी होता है a बाई बी पावर मान लो m है तो हम उसको लिख सकते हैं a टू द पावर m बाई b टू द पावर m और सेम चीज़ यहाँ पे क्या है y बाई वन प्लस वाई का पावर में है n माइनस m तो हम क्या करेंगे जो हमारा ऊपर वाला है उसमें भी n माइनस वन डाल देंगे नीचे जो आता है उस पर भी पावर हम लगा सकते हैं n माइनस वन ठीक है ये जो माइनस है ना इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हैं माइनस देन बचा वन बाय वन प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड डी वाई ओके नेक्स्ट हम क्या करेंगे देखो जब हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं यानी कि अपर को अपर लोअर को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो एक नेगेटिव साइन आता है ठीक है तो नेगेटिव बाहर एक नेगेटिव है दोनों मिलके हो जाएगा पॉजिटिव तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ये कब हुआ आफ्टर इंटरचेंजिंग इंटरचेंजिंग की वजह से एक नेगेटिव आया जो कि बाहर वाले नेगेटिव से मिलके पॉजिटिव हो जा रहा है सो इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनाइट ओके यहाँ पे देखो और एक प्रॉपर्टी होता है अगर सपोज ए टू द पावर एम है इंटू ए टू द पावर एन ओके दोनों मल्टीप्लाई में है बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं उसको लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस n सेम चीज़ है यहाँ पे देखो तीनों का बेस सेम है वन प्लस वाई वन प्लस वाई वन प्लस वाई पावर्स अलग अलग हैं तो हम इन पावर्स को ना ऐड कर सकते हैं तो ऊपर में क्या बच गया y टू द पावर n माइनस वन नीचे में क्या है वन प्लस वाई टू द पावर पहला वाला फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा m माइनस वन नेक्स्ट प्लस n माइनस वन और ये क्या है प्लस टू और लास्टली डी वाई ओके यहाँ पे देखो माइनस वन माइनस वन माइनस टू प्लस टू के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा m प्लस n तो फाइनली जीरो टू इन्फिनाइट y टू द पावर n माइनस वन by 1 plus y to the power क्या हुआ m plus n and dy okay ये क्या हो गया ये जो बीटा फंक्शन है इसका और एक फॉर्म है मतलब बीटा फंक्शन का दूसरे वे में हम वैसे लिख सकते हैं ये देखो ये इन टर्म्स ऑफ y है अगर हम चाहें तो उसको x के टर्म्स में लिखेंगे तो x के टर्म्स में वो हो जाएगा बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनाइट x टू द पावर m माइनस वन बाय वन प्लस x टू द पावर m प्लस n एंड डी x x के टर्म्स में हमारा फॉर्मूला ये हो जाता है ठीक है तो वो भी क्या है बीटा फंक्शन का और एक फॉर्म है ठीक है ये तो आ गया बीटा फंक्शन के फॉर्म के बारे में बट बीटा फंक्शन का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे अगर हमें कोई क्वेश्चन में ये इंटीग्रेशन दिया गया होगा तो हम उसके वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे तो वो हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गामा फंक्शन से निकालेंगे दैट मीन्स कि हमारा बीटा और गामा फंक्शन के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए तभी ना हम बीटा फंक्शन का आंसर गामा फंक्शन से निकाल सकते हैं ओके सो नेक्स्ट देखते हैं कि जो बीटा और गामा फंक्शन है उसमें रिलेशन क्या है सो रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन लास्ट क्लास क्या हुआ था हमने गामा फंक्शन का एक वैल्यू निकाला था क्या है वो इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन माइनस वन ई टू द पावर माइनस ए एक्स डी एक्स इसका वैल्यू होता है गामा
एन टू द गामा एन टू द पावर ए टू द पावर एन। ओके सेम इसी के जगह में अगर हम ए के जगह पे जेड को सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा, मान लो 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन माइनस वन ई टू द पावर माइनस जेड एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा गामा एन। यहाँ पे देखो ए यहाँ पे है, ए के जगह पे जेड है, सो जेड टू द पावर एन। ओके सेम इससे हम स्टार्ट करेंगे और हम निकालेंगे द रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन। ओके सो बाय मल्टीप्लाइंग e टू द पावर माइनस जेड एंड z टू द पावर m माइनस वन इन द अबव इक्वेशन। अगर हम इस इक्वेशन में e टू द पावर z माइनस z एंड z टू द पावर m माइनस वन मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा गामा n अपॉन z टू द पावर n। ठीक है नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर माइनस z एंड z टू द पावर m माइनस वन। नेक्स्ट साइड में राइट हैंड साइड में क्या होगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट x टू द पावर n माइनस वन e टू द पावर माइनस z x। ओके ये दोनों ऐड होंगे e टू द पावर माइनस z एंड z टू द पावर m माइनस वन। ओके नेक्स्ट एक चीज देखो z टू द पावर n ये यहाँ पे डिवीजन में है तो हम क्या कर सकते हैं उसको उस साइड में ले जा सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे एक z टू द पावर n मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन डी एक्स। ओके यहाँ पे नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू z, ठीक है हम क्या करेंगे z के रेस्पेक्ट में दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने पे यहाँ पे देखो कुछ टर्म्स x के हैं जैसे ये x एंड x टू द पावर n माइनस वन, यहाँ पे z नहीं है dx है तो उसको हम अलग कर देंगे, z के टर्म्स को अलग से इंटीग्रेट करेंगे। इस साइड में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो गामा n जो है ये टोटली इसमें z का z नहीं है तो हम उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे गामा एन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट ई टू द पावर माइनस जेड जेड टू द पावर एम माइनस वन। ठीक है और क्या हो जाएगा ये डी जेड, इस साइड में क्या होगा 0 टू इन्फिनाइट ओके एक्स एन माइनस वन डी एक्स और एक इंटीग्रेशन लेंगे 0 टू इन्फिनाइट ई टू द पावर माइनस जेड एक्स ई टू द पावर माइनस जेड जेड टू द पावर एम माइनस वन जेड टू द पावर एन एंड डी एक्स सॉरी डी जेड जेड के रेस्पेक्ट में करें सो डी जेड। यहाँ पे देखो सेम चीज़ है, इससे पहले हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस किया था क्या a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n क्या हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। यहाँ पे e टू द पावर माइनस जेड एक्स नेक्स्ट e टू द पावर माइनस z है, दोनों का बेस सेम है तो उसके पावर्स प्लस हो जाएंगे। प्लस अगर हम करेंगे माइनस जेड एक्स प्लस माइनस z, माइनस z कॉमन चले जाएगा बचेगा x प्लस वन। सेम चीज़ है यहाँ पे देखो z z बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या बनेगा m प्लस n माइनस वन, तो हम वो चीज़ लिखेंगे ये एज इट इज रहेगा 0 टू इन्फिनाइट x टू द पावर n माइनस वन dx। ठीक है इसको पावर्स ऐड कर देने पर ये बनेगा e टू द पावर माइनस z x प्लस वन
उसके बाद z टू द पावर m प्लस n माइनस 1 और dz, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, या फिर आप इसको चेंज कर सकते हो. देखो हमारा गामा n का फॉर्मूला क्या था, गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 उसके बाद e टू द पावर माइनस x dx. ओके, कुछ नहीं, बस यहाँ पे n की जगह पे m कर दो, तो गामा m क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m माइनस 1 e टू द पावर माइनस x dx. देखो हम ना ये दोनों ही वेरिएबल्स हैं, इनका कुछ वैल्यूज डिफाइंड नहीं है, तो हम उसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं. ओके, जैसे x की जगह पे अभी z कर दो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, गामा m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, z टू द पावर m माइनस 1 e टू द पावर माइनस z डी z. ओके, तो यहाँ पे देखो सेम चीज़ नहीं हो गया, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस z, z टू द पावर m माइनस 1 एंड dz. तो ये जो टोटल टर्म है इसके जगह में हम लिख सकते हैं क्या, गामा m. ओके, ये वाला टर्म में देखो वही सेम फॉर्मूला, जो और एक फॉर्मूला जो था ना हमारा, क्या था, गामा n बाय a टू द पावर n, है ना, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ए एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 एंड डी एक्स. ओके, यहाँ पे देखो x के जगह पे z है. ओके, और यहाँ पे e टू द पावर माइनस z x प्लस 1 है, मतलब a के जगह पे क्या हो गया, x प्लस 1, a के जगह पे हो गया x प्लस 1, और वहाँ पे क्या, x टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पे n के जगह पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं m प्लस n, m के जगह पे हम लिख सकते हैं m प्लस n, ठीक है. तो उसको बेस करके हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो तो उसका फॉर्मूला यहाँ से लिख सकते हैं क्या, गामा n मतलब गामा m प्लस n बाय a टू द पावर n, a कितना है, x प्लस 1 टू द पावर n, मतलब m प्लस n. ओके, ये जो टोटल टर्म है इसके जगह पे हम लिख सकते हैं गामा ऑफ m प्लस n एंड बाय x प्लस 1 टू द पावर m प्लस n. सो नेक्स्ट हमारा क्या, जो ये इक्वेशन था इसका फॉर्म क्या चेंज हो जाएगा, देखो गामा n इसके जगह पे हम गामा m लिख सकते हैं, सो गामा m इक्वल टू ये एज इट इज रहेगा 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स. नेक्स्ट ये जो टोटल टर्म है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, गामा m प्लस n अपॉन x प्लस 1 टू द पावर m प्लस n. ओके, लिख सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे यहां पे, क्या करेंगे, ये जो गामा m प्लस 1 है इसको इसके नीचे ला सकते हैं, तो ये बन जाएगा गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n. ओके, एंड इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज 0 टू ये टोटल इंटीग्रेशन में होगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 बाय m प्लस n डी एक्स. ओके, सो प्रीवियस में देखो और एक चीज़ है, मैंने बोला ये जस्ट एक वेरिएबल है, आप n की जगह में m लिख सकते हो, n की जगह में m लिख सकते हो, y की जगह में x लिख सकते हो, उसके हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है. तो ये वाला जो है ना, ये देखो हमारा जो बीटा फंक्शन था उसका सेकेंड फॉर्म था, x टू द पावर m माइनस 1 बाय 1 प्लस x m प्लस n डी एक्स, ठीक है. तो ये क्या बन गया हमारा बीटा फंक्शन, बीटा ऑफ m n इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा, गामा ऑफ एन, गामा ऑफ एन अपॉन एम प्लस एन। तो जब हमें बीटा फंक्शन दिया होगा तो बीटा फंक्शन को हम गामा फंक्शन के हेल्प से उसका वैल्यूज निकाल सकते हैं। किस तरह से, इट इज यूजिंग दिस इक्वेशन। ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज फाइंड करने बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to ∞ एक्स स्क्वायर 1 + x^4 बाई 1 + x^10 एंड dx। ठीक है, इसको हम बीटा फंक्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। बीटा फंक्शन क्या बोलता है कि देखो, बीटा m कॉमा n क्या हो जाएगा, 0 to ∞ x^m-1 बाय 1 + x^m+n dx। इट इज द बीटा फंक्शन। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे। पहले देखेंगे क्या वो बीटा फंक्शन के फॉर्म में है, नहीं है सो उसको हमें बनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, हम ये जो एक्स स्क्वायर है इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे, 0 to ∞ ओके, 0 to ∞ क्वेश्चन गिवन इज ओके, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करने पर हमें दो वैल्यूज मिलेंगे, 0 to ∞ x^2 + x^4 अपॉन 1 + x^10 dx। ठीक है, इसको अगर अलग अलग कर देंगे, 0 to ∞ x^2 / 1 + x^10 dx। ठीक है, नेक्स्ट प्लस इंटीग्रेशन 0 to ∞ x^4 / 1 + x^10 dx। ठीक है, ये दोनों अभी देखो बीटा फंक्शन के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, कैसे, एक चीज़ ध्यान देना, अगर यहाँ पे m माइनस वन है तो बीटा फंक्शन में m आता है, मतलब यहाँ पे जितना भी होगा उसका एक इंक्रीज करके यहाँ पे आता है ना। तो अगर यहाँ पे 2 है तो बीटा फंक्शन में क्या हो जाएगा, बीटा एम एन लिखेंगे, m का वैल्यू हो जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट देखो, m प्लस एन 1 + x के पावर में है m प्लस एन, यहाँ पे 1 + x के पावर में है 10। सो m प्लस एन इज इक्वल टू 10, m की वैल्यू हमें मालूम है 3, 3 + n इक्वल टू 10, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 - 3 दैट इज इक्वल टू 7। सो बीटा ऑफ 3 7 प्लस सेम चीज़ है, 4 है तो हम एक बढ़ा के लिखेंगे, सॉरी ये 4 नहीं होगा, एक्स स्क्वायर को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x^2 × x^4। दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 2 + 4 दैट इज इक्वल टू x^6। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, x^6। ओके, अगर x^6 है तो बीटा m क्या हो जाएगा, 7, एक इंक्रीज होगा, कॉमा हम लोग का जो n हो जाएगा कितना, 3। बीटा की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम लिख सकते हैं बीटा 3/7 को, बीटा 7/3 प्लस बीटा 7/3, ये दोनों एक ही चीज़ है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × β 7/3। ओके, अभी देखो हमने बीटा एम एन का वैल्यू निकाला था, बीटा एम कॉमा एन कितना होगा, गामा एम, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको उस फॉर्म में लिख के डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 ×
गामा 7 गामा 3 बाय गामा ऑफ 7 प्लस 3, ठीक है। तो 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10। देखो इसको अलग से सॉल्व करते हैं, गामा 7 गामा 3 बाय गामा 10, ओके। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था जो गामा फंक्शन होता है, यानी कि गामा ऑफ n प्लस 1 की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल, मतलब गामा के अंडर में जो भी होगा उसका एक कम करके फैक्टोरियल निकालना है। अगर हमारे पास गामा 5 है तो वो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो सेम चीज़ है, देखो यहाँ पे गामा 7 है तो गामा 7 की वैल्यू कितने हो जाएगी 6 फैक्टोरियल, गामा 3 है गामा 3 का वैल्यू हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, गामा 10 है सो गामा 10 का वैल्यू हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, ठीक है। और फैक्टोरियल मतलब क्या होता है वो भी हमने डिस्कस किया था। फैक्टोरियल मतलब सपोज अगर 5 का फैक्टोरियल दिया है दैट मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अप टू लास्ट उसका मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना। तो जो गामा 7 है, देखो गामा 7 की जगह में हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल इंटू गामा 3 की जगह में लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल, गामा 10 की जगह में लिख सकते हैं हम 9 फैक्टोरियल, ओके। तो हम ये कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1, तो वो 2 ही हो जाएगा। 9 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, तो ये जो 6 फैक्टोरियल है 6 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, ओके। 2 4 जा 8, नीचे बचा 9 इंटू 4 इंटू 7, तो वो वैल्यूज लेके हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन 9 इंटू 4 इंटू 7, ओके। 2 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आएगा 1 बाय 9 इंटू 2 इंटू 7 दैट इज 126, ठीक है। तो हमारा जो ये फंक्शन था इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 dx, उसका वैल्यू आता है 126। देखो अगर आप प्रॉपर इंटीग्रेशन के रूल्स यूज़ करके इसको सॉल्व करना चाहोगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, आपको क्वेश्चन रूल भी लगाना पड़ सकता था और प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ सकता था, बट डायरेक्ट हम बीटा और गामा फंक्शन यूज़ करके बहुत ही कम टाइम में और कम स्पेस में हम आंसर निकाल सकते हैं, उसके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।